हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैट मैट टिप्स। आप सभी ने इमोशनल बोझा के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस बोझे को कम कैसे किया जा सकता है? तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इमोशनल बैगेज को कैसे कम किया जाए। नंबर वन, स्कूलों में वैसे ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों पर रहता है, आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा अलग अलग क्लासेस में लगा कर एंगेज ना करें। उन्हें खेलने कूदने और परिवार के साथ समय बिताने का पर्याप्त समय दें। हर बात पर बच्चों को यह कहकर इमोशनली ब्लैकमेल ना करें कि हमारे समय पर ऐसा होता था, हम तो ये करते थे या वो करते थे। आपको समझना होगा कि आपका जमाना अलग था और बच्चों का जमाना अलग है। यूनिट टेस्ट हो या सेमेस्टर एग्जाम, उसका हवा ना बनाएं। बच्चा पहले से ही एग्जाम के नाम से डरा होता है, आप ऐसा माहौल बनाकर उन्हें और डरा देते हैं। ऐसा ना करें, एग्जाम टाइम में घर का माहौल नॉर्मल रखें और कोशिश करें कि आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स घर में लाएं जिससे बच्चा स्ट्रेस फ्री रहे। ज्यादातर मदर इमोशनल कार्ड खेलती हैं, दूसरों के बच्चों के उदाहरण दे देकर बच्चों पर और दबाव डालती हैं। आपको समझना होगा कि हर बच्चा अलग है और खास है। आपके बच्चे में जो खूबियाँ हैं शायद वो दूसरों के बच्चों में ना हो, तो तुलना किस बात की? वर्किंग कपल्स के बच्चों की परवरिश एक बड़ा टास्क है। उन्हें समय ना दे पाना और उनके लिए हर वक्त मौजूद ना रहने वाली भावना उन्हें इस कदर इमोशनल बना देती है कि वो बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं। ये भी ठीक नहीं है। बच्चों की सही परवरिश के लिए नियमों से लेकर पैम्परिंग तक को संतुलित रखना जरूरी है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग।